क्वेश्चन इज, अच्छी चीजों का एडिक्शन होना अच्छी बात है बुरी बात है? जैसे किसी को पढ़ना बहुत पसंद है, पढ़े ही जा रहा है, एडिक्शन है पढ़ने का, तो ये अच्छी चीज है बुरी चीज है? एडिक्शन, अच्छी चीजों का एडिक्शन होना अच्छी चीज है बुरी चीज है? गुड पॉइंट यार। हाँ, इसमें अगला जो क्वेश्चन अपने आप से आपको पूछना है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है? क्या जो हमें अच्छा लगता है वो एक्चुअल में हमारे लिए अच्छा होता है, या जो हमें क्या ये जरूरी है, या ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी? अच्छा और बुरे का मतलब क्या? पढ़ाई को हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा मतलब क्या? आप अच्छा किसको कहते हो? हम कहते हैं कि अगर मैं पढ़ता रहूं तो वो अच्छा है, बट क्या वो एक्चुअल में अच्छा है? क्या ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को इंडिया में जानते हो जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी, डिग्री भी ले ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी अनएम्प्लॉयड है? Yes, sir. और क्या ऐसे लोगों को जानते हो जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी, या फिर लिमिटेड पढ़ाई करी और उनसे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं? Yes, सवाल ये उठता है कि आपको लगता है क्यों? क्योंकि बचपन से आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, जब से पैदा हुए हो उसके बाद में थोड़ा सा समझना शुरू किया तो क्या वर्ड्स सुबह से रात तक दिमाग में घूमते रहे? पढ़ो तभी लाइफ बनेगी, पढ़ते जा रहे हैं, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, PhD भी कर लिया, सर पता नहीं क्या क्या कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उसके बाद में खाली बैठे, अब कह रहे हैं अब हम क्या करें? ऐसे लोग हैं या नहीं है? बशर्ते कि उनका किसी टॉप इंस्टीट्यूट में कहीं से हो गया है, तब तो वहां से निकले फटाफट से मिल गई जॉब। बट ऐसा कितने लोगों का होता है? लाखों में से कुछ लोगों का ही होता है ना, और जरूरी नहीं है जो ज्यादा पढ़ते हैं उन्हीं का होता है। ये सच है झूठ है? हाँ, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी प्ले हो रहे होते हैं वहां पर। तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है जो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है उसी का हो, और जो कम पढ़ रहा है उसका ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिमिटेड पढ़ाई करी, उनका हो गया एंट्रेंस क्रैक, बहुत है पता नहीं कितना, 16 घंटे पर नहीं हो रहा उनका, एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, 2 बार किया नहीं हुआ 4 बार किया नहीं हुआ, पढ़ने से एडिक्शन हो गया है, पढ़े चले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे पूरी लाइफ में। उनसे पूछो क्या किया 20 साल तक, कुछ नहीं किया जी, बस पढ़ाई करी। अच्छा, उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, धक्के खा रहे हैं। ये मैं थियोरेटिकल बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल है। पता नहीं कितने लाखों रुपए लगा दिए, कोर्स कर दिया, बैचलर्स ऑफ ये वो आ गई, डिग्री भी आ गई हाथ में, उसके बाद नौकरी कितनी मिल रही है? 10-15 हज़ार रुपये की। 10-15 हज़ार तो पियोन को मिल जाती है, उसमें क्या क्या उखाड़ा आपने? लाखों रुपए खर्चने की क्या जरूरत थी? नहीं, तो एडिक्शन एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो इस टाइम पे। एडिक्शन है जो भी आपकी बिलीव्स है उसको पकड़ लेना, जो भी आपकी आदतें हैं उसमें फंस जाना, ये एडिक्शन है। एडिक्शन दो तरीके है, एक है आपकी आदतें, जहां से हमको प्लेजर्स मिल रहा होता है वहां पर आदत पड़ जाती है ना उस चीज की, फिर चाहे वो हमारे लिए कितनी भी बुरी हो, वो हमको अंदर ही अंदर खोखला कर रही हो, फिजिकली हमको बीमार कर रही हो, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं, आदत पड़ गई है। एक है हमारे जो बिलीव्स हैं कि बस दिमाग में बचपन से सबने बिठा दिया है कि पढ़ना अच्छा होता है, तो इस बिलीव को हमने पकड़ लिया है कि पढ़ने से सक्सेस मिलती है, जो पढ़ लिख गया उसकी लाइफ बन गई, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी उसकी जिंदगी झंड है, यही दिमाग में सबके बिठाया हुआ है, बिलीव बन गया ना। अब इस बिलीव के हिसाब से हमने एक्ट करना शुरू कर दिया, बिना सोचे समझे अगर आप लाइफ में एक्ट कर रहे हो तो एडिक्शन बुरी है, बिना सोचे समझे। जैसे होता नहीं, एक टेररिस्ट के माइंड में कुछ फीड कर दिया जाता है कि हाँ यही सही है, यही सही है, यही सही है, और वो एक्ट कर रहा है, उसके लिए तो वो सही है, जो लोग उसको ये पाठ पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी वो सही है, और वो कभी क्वेश्चन नहीं कर रहा है। ऐसे ही अगर आप लोगों की जो एज ग्रुप है इसमें अगर दिमाग चलाओ थोड़ा सा, ये नहीं कि सिर्फ जो अंदर फीडेड है उसके हिसाब से एक्ट करते चले जाओ, तो आप एडिक्टेड हो। किससे एडिक्टेड हो? वो बिलीव्स जो जाने अनजाने आपके अंदर कुछ फीड कर दी गई है, कुछ इन्फॉर्मेशन फीड कर दी गई है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। इससे घटिया लाइन दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। मेरी नजर से देखोगे तो दोनों ही जरूरी है, ऐसा नहीं 90-10, 50-50। मेरे अकॉर्डिंग अगर एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंज लाया जाए तो सबसे पहला चेंज ये लेकर के आऊंगा, कंपलसरी स्कूल्स के लिए और कॉलेजेस के लिए, कि जितने पढ़ाई के पीरियड होने चाहिए, यानी जितने थ्योरी के पीरियड होने चाहिए, उतने ही एक्टिविटी के पीरियड, जितने पीरियड इनएक्टिविटी के होने चाहिए, बैठे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन अंदर फीड कर रही है और रटवाए चले जा रहे हैं, उतना ही एक्टिविटी के पीरियड होने चाहिए। वो बच्चा जो खेलेगा कूदेगा नहीं, बच्चा क्या उसकी लाइफ में, उसका बचपन तो गया, पढ़े चले जा रहे हैं। पढ़ना मतलब क्या? इन्फॉर्मेशन को फीड कर रहा है। इन्फॉर्मेशन की कमी है क्या इस दुनिया में? गूगल पे जाकर कुछ भी सर्च कर लो तो अंदर भरने की क्या जरूरत है?
किस लिए भरनी है? अच्छा, भर करके ये होगा, क्या होगा? पैसा मिलेगा। पैसा कमाने के और कोई तरीके नहीं है। अब वहां पर भी क्या है, आपके बिलीफ बना दिए गए हैं कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, अपने बेस पे कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। तो आपको शुरू करने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। कौन खत्म कर रहा है? आपके अपने बिलीफ। ये सच है झूठ है? हाँ, दिमाग में जैसे आप कुछ भी बोलोगे अपने घर पे या सोचोगे भी अपना कुछ करने का, कि नहीं, इस एजुकेशन सिस्टम से हट करके मुझे कुछ अपना करना है। सिर्फ यही एक रास्ता थोड़ी है। दुनिया में कहीं पर भी जाने का एक रास्ता नहीं होता है, हजारों लाखों रास्ते होते हैं। यही एक रास्ता थोड़ी होता है, बहुत रास्ते होते हैं। तो जैसे ही कुछ सोचोगे तो क्या होगा, वो बिलीफ बीच में आ जाएगा। तो आप उस बिलीफ से एडिक्टेड हो। तो जो भी आपकी बिलीफ्स हैं, जो भी पैटर्न्स बने हुए हैं आपकी लाइफ में, चाहे फिजिकली चाहे साइकोलॉजिकली, उन सारे पैटर्न्स के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देना, दिस इज द बिगनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। चाहे सो कॉल्ड अच्छा, जब बुरा, क्योंकि जो आपको हो सकता है अच्छा लग रहा हो वो ही आपको बर्बाद करने वाला हो, और हो सकता है जो आपको बुरा लग रहा हो वहीं से कुछ ऐसे रास्ते खुलने वाले हो आपके लिए, यहां से एक नई दुनिया का रास्ता खुलेगा आपके लिए। हो सकता है जो आपको अच्छा लग रहा हो वो आपको ऐसी जगह पे ले जाकर के फंसा दे कि जहां से ना आप निकल सकते हो ना उसको छोड़ सकते हो। हो सकता है जो दिमाग में बैठा हुआ है मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, वो बहुत ही आसान हो सकता है। दूसरी तरफ से जो आसान लग रहा है रास्ता, वो हो सकता है इतना मुश्किल हो, वहां पे पॉसिबिलिटीज ही कुछ ना हो।